रोटियां इस तरह बनाए तो रोटियां सॉफ्ट रहेगी। आटा में थोड़ी सी पानी डाल के इसको अच्छी तरह से बहुत देर तक गूंद के एक डो बना लेनी है। फिर इतने थोड़े से आटे को लेना है, उसको गोल करके फिर ऐसे आटे में लगा के फिर उसको बेल के गोल करके बेल के फिर उसको एक दो बार तीन बार झाड़ लेना चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ी आटा लगी रहती है। उसके बाद तावे में डाल के उसको कॉर्नर घुमा घुमा के कॉर्नर भी ताकि अच्छी तरह से सेका जाए, ऐसे पलट के फिर ऐसे गैस पे यदि आप पकाओगे तो रोटियां एकदम मुलायम बनेगी। रोटियां आप दो दिन भी रख दोगे ना फिर भी आपको ऐसी ही मुलायम मिलेगी। आटे को अच्छी तरह से गूंदना चाहिए फिर रोटियां बहुत मुलायम बनती है। आप देख सकते हो ये रोटी बहुत ज़्यादा मुलायम बनी है। इसको आप देखो मैं हाथ में लेके ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, एकदम मुलायम है। खोलने के बाद भी आप देखोगे कहीं से भी इसमें दरारें नहीं पड़ेगी, एकदम मुलायम रहेगा ये रोटी। यदि आप दो दिन भी रख दोगे ना फिर भी दो दिन बाद भी आप निकालोगे फिर भी ये ऐसे ही मुलायम रहेगी। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छा लगे रोटी की तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। इस तरह रोटियां बनाएं, मुलायम सॉफ्ट नरम खाने में भी अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत मुलायम होती है।